हेलो ट्रेनर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर पोकेमोन यूनाइट वीडियो। एंड गाइस आज का वीडियो होने वाला है यार तुम्हारे फेवरेट ददारियो यानी सॉरी टोड्रियो के ऊपर। सो आई बिन ट्राइंग टू प्ले इट लाइक सिंस फॉर एवर भाई, मतलब क्या ही बताऊँ। लाइक मैंने ट्री अटैक भी ट्राई करा एंड ड्रिल पैक भी ट्राई करा, बट भाई ड्रिल पैक वन ऑफ माई फेवरेट मूव सेट बन चुका है एंड लिटरली नो जोक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीडस्टर्स भाई। एंड मजाक से हट के भाई बहुत मस्त पोकेमोन है ये भाई, ज़रूर ट्राई करो। थोड़ा सा हार्ड है बट भाई बहुत मस्त पोकेमोन है। जो जिसने इस पोकेमोन को सीख लिया ना, इसके मूवसेट सीख लिए भाई, लिटरली बता रहा हूँ भाई इजीली कैरी कर सकते हो इससे, बस तुम्हारा थोड़ा गेम सेंस के ऊपर है बाकी। सो गाइस बिल्ड की बात करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस जो हेल्ड आइटम जिसमें मैंने लगाए हैं यार वो है अटैक वेट, फ्लोट स्टोन एंड एनर्जी एम्पलीफायर। साथ में जो मैं एम्बलम्स यूज़ कर रहा हूँ वो होने वाले हमारे भाई स्पेशली CDR यानी कि 7 Black 6 Green। सो मैं कूलडाउन पे खेल रहा था, मतलब कूलडाउन रिडक्शन वाला एम्बलम्स पे खेल रहा हूँ ताकि भाई इसके मूव्स जल्दी आ सके। सो मैं तुम लोगों को इसके मैकेनिक्स कॉम्बिनेशन सब कुछ बताने वाला हूँ। ड्रिल पैक और मैंने जंप किक खेला था एंड आई गेस वन ऑफ द बेस्ट मूव सेट्स है ये। एंड उससे पहले मैं एक चीज़ एक टॉपिक पर बात करना चाहूँगा भाई। जस्ट अभी मैं खेल रहा था ददारियो से अपने भाई, है ना, फुल कैरी कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक भाई लिटरली बता रहा हूँ, सही में कैरी कर रहा था मैं, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ, स्कोर भी मैं कर रहा हूँ जाके, ठीक है। बंदे ना भाई हग रहे, तो मैंने ना भाई मेरा ना मत्था भिनका हुआ था, तो मैंने ना क्या करा, मैंने मतलब मैं 2-3 मैच खेल चुका था और मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा था बिकॉज भाई सारे नूबड़े आ रहे थे, मेरा मत्था भिनक गया, ठीक है। उनमें से एक ने ना, मैं टीटर को सुना रहा था, हमारे में था टीटर, ब्लास्टोइज और कौन कौन था, गार्डवर और शायद चार्लिजार्ड था, ठीक है। और चार्लिजार्ड गार्डवर और ब्लास्टोइज ट्रियो कर रहे थे, ठीक है। अब ना सीन क्या हुआ, मैंने कहा भाई टीटर तो ढंग से खेले थोड़ा, है ना, ड्रैगनाइट को भी बोला मैंने, गार्डवर ठीक खेल रही थी, गार्डवर ने बट फिर भी हगा, ठीक है भाई। ब्लास्टोइज को पता नहीं क्या हुआ मेरे को गाली देने लग गया, ठीक है। मेरा मत्था बहन का, मैंने कहा भाई तू खेलना सीख पहले, ठीक है, टैंक ही पोकेमोन है तू, और मेरे को कह रहे कि मैं अटैकर हूँ भाई। मैंने कहा पहले तू भाई गेम के बारे में जान किया, और कह रहा भाई मतलब हद से ज़्यादा भाई बकवास करने लग गया, ठीक है, गाली देने लग गया। मेरा मत्था बहन का मैंने भी सुना दिया भाई आज भाई। वैसे मैं बिल्कुल, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं माइक नहीं खोलता, ठीक है। मैंने कहा जो बोलना है बोलने दो भाई, दिमाग क्यों ख़राब करना अपना, सीधा हेडफोन्स वाला बंद कर देता हूँ, राइट भाई। इस बार मेरा मत्था बहन का मैंने बहुत गंदा सुनाया उसे, मजाक से हट के मैंने कहा भाई तू दिमाग लगा थोड़ा पहले, ठीक है, और ना गेम के बारे में जान क्या। और भाई इतना हद नूप भाई, बंदा ने ब्लास्टोइज लिया, टैंक ही होके पीछे खेल रहा भाई गार्डवेयर के, भाई क्या बोलूँ उसको मैं भाई साहब। मैंने कहा भाई कुछ नहीं कह सकते भाई इनको, मैं सुना के रिपोर्ट विपोर्ट करके मैं हट चुका था। सो गाइस अब वापस इस डोड्रियो गेम प्ले पे आ जाते हैं। सो जैसे कि मैं बता रहा था कि भाई इसके तुम्हें कॉम्बिनेशन और पूरे टिप्स विप्स दूंगा। सो डोड्रियो इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट कह सकते हैं, बिकॉज भाई इसका जो मूवमेंट है, इसका जो एम है वो तुम्हारे लेफ्ट कंट्रोल से होता है, लेफ्ट जॉयस्टिक से होता है। मान लो तुम उससे एम नहीं कर सकते अपने राइट हैंड साइड से, तुम्हें जो एम करना होता है वो लेफ्ट से करते हो, ठीक है। इसमें जो ड्रिल पैक है वो जैसा मूव है भाई वैसा ही काम है उसका, एक तरीके से मैं तुमको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। जंप किक क्या करता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जंप किक से तुम भाई कहीं से भी रीसेट ले सकते हो, तुम चाहे वाइल्ड पोकेमोन हो, तुम चाहे एनिमी हो, तुम चाहे भाई ये वॉल्स है ना, कहीं पे भी तुमको ये वॉल्स दिख रही है, जैसे ये घास के तरफ, चाहे ये भी क्यों ना हो, ये रेजिस्टील भाई, तुम इससे तक रीसेट ले सकते हो अपना ड्रिल पैक। सो बेसिकली तुमको अपना, जैसे मान लो तुमने ड्रिल पैक यूज़ किया, ठीक है, ड्रिल पैक यूज़ किया, देन इसके बाद जो तुम्हारा जंप किक है ना, तुम अगर किसी एनिमी पे मारोगे ना तो ये देखो तुम्हारा जो वो होता है क्या कहते हैं ड्रिल पैक, वो रीसेट हो जाता है, राइट, उसका मूव कूलडाउन कम हो जाता है। एंड एक और चीज़ बता देता हूँ, जब तुम ड्रिल पैक मारते हो ना तो तुमको हील भी होता है, तो ड्रिल पैक तुम्हारा हील भी करता है एंड साथ ही साथ डैमेज भी प्रोवाइड कराता है। बट ड्रिल पैक तभी चलता है जब तुम्हारी जो स्पीड है ना, ये हेल्थ बार के नीचे जो दिखा रहा है ना एक बार, वो छोटा, जब वो फुल होगा तभी तुम्हारा ड्रिल पैक फुल एक तरीके से स्टैक्ड होगा, फुल्ली एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज़ बताता हूँ, इसका जो यूनाइट मूव है वो क्या कहते हैं, इसके दोनों मूव्स को रीसेट कर देता है एंड जंप किक से तुम रीसेट ले सकते हो। तो इतना तो आई गेस थोड़ा बहुत क्लियर ही हो चुका होगा यहाँ पर तुम, मतलब इतना तो शायद तुम लोगों ने खेल भी लिया होगा। एंड वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक, नॉट गोइंग बैक फॉर रीसेट। यहाँ पे मैं जंगल जा रहा था, मैंने कहा ठीक है भाई ले लेते कोई नहीं, बट भाई स्लोन लेग्स दिखता है, जो मेरी हालत हुई, मैंने कहा एक तो वैसे ही खुशी, ऊपर से हेल्थ भी नहीं और ख़त्म यहाँ पर मैं
बिकॉज यॉन खेल रहा था वो, यहाँ पे इजीली टू क्यू स्ट्रीक्स निकाल लिए, सीजर और जेरो को उड़ा दिया, गार्चोम पता नहीं कहाँ भाग गया भाई, मेरे को दिखा नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं। सो जैसे कि मैं तुम लोगों को बता रहा था कि भाई तुम्हें जो अपना लेफ्ट जॉयस्टिक से एम करना पड़ेगा, ठीक है, ड्रिल पैक को, ड्रिल पैक तुम्हारा फुल स्टैक तभी होगा जैसे बार नीचे फुल हो जाएगा, जब तुम जंप किक मारोगे किसी भी एनिमी या वॉल से तो तुम्हारा जो वो बार है वो फुल हो जाता है, जिससे कि तुम्हारा ड्रिल पैक जो है उसका कूलडाउन कम होता है एंड वो इजीली रीसेट हो जाता है, ठीक है। अब तुम्हें एक और कॉम्बिनेशन बताता हूँ, जब तुम मान लो अपना ड्रिल पैक मारते हो ना, यहाँ पे पता नहीं कैसे ही मिस हो गया, एंड गाइस एक और चीज़ सॉरी, इसमें ना फुल हील ज़रूर लगाना तुम लोग, बिकॉज भाई फुल हील सबसे बेस्ट रहेगा इस पर, बिकॉज टर्न अगर हो गए ना तो तुम्हारी स्पीड गायब हो जाएगी, स्पीड गायब हुई तो तुम ड्रिल पैक यूज़ नहीं कर पाओगे, सो सारा यूज़लेस हो जाएगा। एंड मैं एक और टिप देना चाहूँगा कि भाई मूव करते रहो, यहाँ से वहाँ घूमते रहो ताकि तुम्हारी स्पीड बनी रहे, ठीक है। फ्लोटस्टोन तुम्हें फुल स्पीड प्रोवाइड कराएगा। एंड अनदर वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक्स इन दिस गेम टू हेल्प सीजर, भाई चार बंदे थे, चारों टैंकी, उनके बीच में घुस रहा हूँ मैं सोचने के लिए। बट हालांकि अगर तुम थोड़ा बहुत लाइक डोटरी अच्छे से खेलना जान गए हो तो तुम उसको भी हैंडल कर सकते हो, ड्रिल पैक मारा, जंप किक मारा, निकल लिए बाहर, वापस से ड्रिल पैक मारा, ख़त्म भाई, ऐसे कर सकते हो तुम। यहाँ पर तुम देख सकते हो इजीली भाई सीजर को भी कैसे डोमिनेट करते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पर भाई जो ऊपर आके स्लोब्रो ने शुरू में बचाया था ना भाई, मैं का भाई तुमने देखा ही होगा, थ्री क्यू स्ट्रीक्स निकाली थी भाई लॉन्डे ने, अपना स्लोब्रो भाई अटैकर की तरह खेल रहा था, टैंकी अटैकर, वन ऑफ द बेस्ट अटैकर है भाई अपना स्लोब्रो। इसमें भाई सीजर, स्लोब्रो और मैं अच्छा खेले थे। एंड एस्पियन ने ना भाई शुरू में जो अबैंडन किया था ना भाई, अभी तक गुस्सा था मुझे उसका, मैंने कहा भाई बंदे ने डोड्रियो को सोलो करने छोड़ दिया, ऊपर ट्रियो आ रहे हैं, मेरे को सोलो करने छोड़ दिया भाई, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैं क्या बोलूँ उसको। एंड भाई मजाक नहीं कर रहा, डोड्रियो का अगर तुमने अच्छे से यूज़ करना सीख गए ना भाई, बहुत गंदा मारोगे लोगों को, लाइक तुम इससे बंदों को किडनैप भी कर सकते हो, जैसे गार्चोम का वो रहता है ना, क्या कहते हैं, ड्रैगन क्लॉ, जिसे तुम किडनैप करते हो, राइट, तुम इसके ड्रिल पैक से भी किडनैप कर सकते हो, साथ ही साथ डैमेज तो ऑफकोर्स है ही, ये देख सकते हो। यहाँ पे बेचारा ज़रा सोच रहा स्कोर करूँगा, उसने स्कोर करा, यहाँ पर मैंने उसको उड़ा दिया। एंड इसका यूनाइट तो भाई मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगता ही है ऑफकोर्स। यहाँ पे सीजर को भी उड़ा देता हूँ, स्लोब्रो की हेल्प कर देता हूँ, उसने अल्ट चला था, सीधा एक और से अल्ट मारता हूँ तो तुम लोगों को ना इसके अल्ट की, अबे यार यहाँ पे फंस गया मैं, एक और अल्ट की बात बताता हूँ, अगर तुम इसको कोई तुम एक जगह मारोगे ना तो ये वॉल्स के थ्रू नहीं जाएगा, ये एक पाथ बनाता है अपना यूनाइट का, तो उस पाथ पे जाता है ये, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई वॉल्स के थ्रू भी जाएगा तो नहीं जाएगा ये, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ तुम लोगों को। एंड जैसे कि मैं तुम लोगों को भाई इसके रीसेट्स के बारे में बता चुका हूँ, तुम लोग खुद भी गेम में ट्राई करना हल्का फुल्का, तुमको पता लग जाएगा, बिकॉज मैंने भी मैस अराउंड करा है इसके साथ बहुत ही ज़्यादा, लाइक सच में बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मैस अराउंड करा, तब जाके मेरे को इसके बारे में सब कुछ पता लगा। नहीं तो भाई आई थिंक पढ़ने से अगर सब कुछ हो जाता तो बात ही और थी, ठीक है। तो इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट तुम भी कर सकते हो अगर करना चाहो। वैसे तो तुम्हें जो पूरा प्रॉपर कॉम्बिनेशन मैंने बता चुका हूँ, एंड तुम्हें बाकी तुम्हारे गेम सेंस के ऊपर यार तुम कैसे खेलोगे इसको। यहाँ पे मैं इन तीनों के बीच में घुस के सीधा इसको डाल देता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर वापस सेंस से लड़ते हैं। एंड देखो भाई सीधा ना इसका ड्रिल पैक सीधा हाफ एचपी कर देता है, ऊपर से अगर तुम ड्रिल पैक यूज़ कर रहे हो तो हीलिंग इसकी है ही, देख सकते हो। यूनाइट मूव तुम्हारा रीसेट कर देता है, एंड भाई जंप किक तुम्हारा ड्रिल पैक को रीसेट देता है फुल, जिससे कि तुम्हारी फुल स्पीड आ जाती है और तुम्हारा ड्रिल पैक फुल यू नो स्टैक हो जाता है एक तरीके से कह सकते हो। तो यही चीज़ है भाई डोड्रियो में, और ये वाला ही गेम प्ले मैं रिकॉर्ड कर पाया था, जो कि बहुत ही नहीं मतलब ठीक ठाक गया था, बिकॉज इससे भी अच्छा आई गेस मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, बट आई गेस आई डिड नॉट हैव अ चांस टू यूज़ इट एट इट्स फुल केपेबिलिटीज़। सो आई गॉट 7 किल 18 असिस्ट भाई हमारे स्लोब्रो के, 13 किल 14 असिस्ट हमारे सीजर के, 10 किल 9 असिस्ट, नॉट दैट बैड यार, हमारे एस्पियन के 6 किल, बट कुछ नहीं कह रहे, तो उसको तो ध्यान ही नहीं देते हैं भाई, बंदे ने अबैंडन कर दिया था। मेरा होता है 74 के डैमेज, नॉट दैट बैड यार, स्लोब्रो 87 के डैमेज, जॉर्ड भाई बेस्ट अटैकर, एल्डिगोस भाई हील दे रहा था प्रॉपर, तो 50 के ठीक है, मतलब नॉट दैट बैड, मतलब सही है ओवरऑल, प्रॉपर टीम बहुत ही बढ़िया थी, मतलब ठीक ठाक खेल लिया हम, सही गेम निकल गई। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डू मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर पोकेमॉन यूनाइट कंटेंट। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, गुड बाय।